किसके लिए लाया गया है? किसके लिए? इंसेफेलाइटिस से हुई बच्चों की मौत पर घिरी बिहार सरकार ने आम और आम के पौधे बांटकर माहौल को ठंडा करने की कोशिश की, लेकिन इससे सूबे की सियासत और गर्मा गई। बिहार विधानसभा में कृषि विभाग की ओर से सभी विधायकों को आम की टोकरी और एक पौधा दिया गया। कृषि मंत्री प्रेम कुमार और उद्योग मंत्री श्याम रजक ने इसके पीछे तर्क भी बताए। बाग बगीचे जो खत्म हो गए हैं, तो धीरे धीरे जो मतलब आम की प्रजाति जो दिघा वाली थी लुप्त होती जा रही थी, तो हम लोगों ने सभी सरकारी जो परिसरों में और आम के पौधे लगाने का निर्णय लिया है। आप देख रहे हैं इधर लू बढ़ गया है कई तरह की, तो पर्यावरण का संकट है। तो एक संकेत है कि आप आम का पेड़ लगा करके, एक आम के पेड़ लगने से कुछ नहीं होगा, लेकिन वो संकेत होगा, एक विश्वास होगा और एक उसके प्रति संकल्प होगा कि आम पे क्या पेड़ लगा रहे हैं और भी पेड़ लगाएंगे उसके साथ साथ। बिहार सरकार के मंत्री जो भी तर्क दे, लेकिन विपक्ष आम बांटने पर और आक्रामक हो गया। पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने कहा है कि बिहार में लोग दिमागी बुखार से मर रहे हैं और ये आम खा रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो आम खाएगा बीमार पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट जब डांट लगाया, फटकार लगाया, तब शर्म आया सरकार को, भारत सरकार को भी शर्म आया और राज्य सरकार को शर्म आया, मंगल पांडे को शर्म आया। मंगल पांडे का तो तुरंत इस्तीफा करना चाहिए उनको। अगर आम बांटा जा रहा है, मैं समझता हूँ इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं होगी। कोई कांग्रेस आरजेडी का सदस्य आम नहीं लेगा और जो बीजेपी जदयू वाला वो आम खाएगा उसका पेट खराब होगा। दरअसल इन दिनों मुजफ्फरपुर में इंसेफेलाइटिस से हुई बच्चों की मौत पर सूबे की सियासत गर्म है। राबड़ी देवी की अगुवाई में आरजेडी ने एक बार फिर विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का इस्तीफा मांगा। इस मौके पर कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने नीतीश सरकार को घेरा। सर्वोच्च न्यायालय ने कल जिस तरह से बिहार सरकार ने हलफनामा देकर इस बात को स्वीकारा है कि बिहार के आधे से अधिक अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, यही आरोप विपक्ष का है कि बिहार में स्वास्थ्य सेवा ध्वस्त हो चुकी। जाहिर है इंसेफेलाइटिस से हुई बच्चों की मौत पर नीतीश सरकार विपक्ष के निशाने पर है और ऐसे में आम पॉलिटिक्स से माहौल में मिठास घोलने की कोशिश की गई जो कि नाकाम रही। उनको मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।